हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्न विद संध्या #CV। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये इक्वेशन है, तो उसका फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है। एक्स -3 अपॉन 3x इक्वल टू 2। तो पहले इसके नीचे आप 1 मान लीजिए, ठीक है। तो अब ये इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 1 है और ये 8x -3 इक्वल टू ये 2, 2 से इसका होगा 3x का। ये क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग लिख लीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखिए, 8 8 1 जा 8x, 3 1 जा 3 इक्वल टू 3 2 जा 6x। अब 8x प्लस का इधर आके माइनस का 6x इक्वल टू माइनस का इधर आके प्लस का। तो 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 2x इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3/2। ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, 9x/7 -6x इक्वल टू 50। तो इसकी जगह आप पहले 1 मान लीजिए, ठीक है। अब तो 1 से 9x का होगा 9x, ठीक है, ब्रैकेट में कर लीजिएगा, इक्वल टू, अब 15 से इसका होगा 15 7 -6x, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब ये 9 1 जा 9x इक्वल टू, अब ये 15 7 जा होता है 105 105, ये माइनस का साइन, 15 6 जा 90, ये एक्स, ठीक है। अब ये 9x, अब ये इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा 90x इक्वल टू ये 105, ठीक है, ये हुआ। अब प्लस कर लेंगे तो 99 हो जाएगा, x इक्वल टू 105। तो अब x इधर ये 105/99, तो ये कट जाएगा 3 3 35 3 3 के टेबल से कट गया, ये आ गया। तो x की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, z अपॉन z प्लस 15 इक्वल टू 4/5। तो इसमें भी क्रॉस, ये सॉरी, ये आपका है 4 सॉरी, ये 9 है, ठीक है, 9। तो अब ये 9 से जेड का करेंगे तो 9z इक्वल टू ये 4 से जेड प्लस 15 का, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, आप लिख लीजिएगा यहाँ पे। देखिए इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, इसका इससे, इसका इसके, ठीक है। तो 9z इक्वल टू 4 × z 4z प्लस 15 4 जा 60। अब 9z ये प्लस का इधर आके माइनस 4z हो गया इक्वल टू 60। तो 9 में से 4 गया तो 5z आ जाएगा इक्वल टू 60। अब ये z इक्वल टू 60/5, तो 5 से कट जाएगा, 5 5 जा में ये 12। तो z की वैल्यू आ गई, z इक्वल टू 12, ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, 3y+4/2 -6y = -2/6। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 6 का इससे होगा, 2 का इससे होगा। तो पहले लिख लेते हैं, 6 ब्रैकेट में 3y+4 = ये -2 और ये 2 -6y, ठीक है, ये हो गया। तो उसके बाद 6 सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे आपका ये 5 होगा, क्वेश्चन गलत हो गया, ये 5 यहाँ पे भी 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 3 जा 15y, अब ये 5 4 जा 20 इक्वल टू -2 × 2, तो ये 4 हो जाएगा, 2 2 4 होता है और ये माइनस का साइन, ठीक है, ये ब्रैकेट होगा यहाँ पे। अब प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ प्लस, 6 2 जा 12y, ठीक है।
अब ये 15y, इधर प्लस का इधर आके माइनस 12y हो जाएगा, इक्वल टू ये माइनस 4 है, प्लस का इधर आके माइनस 20। तो 15 में से 12 करेंगे तो 3y आएगा। अब ये प्लस माइनस माइनस प्लस होता है तो 20 प्लस 4 24। अब y इक्वल टू माइनस 24 अपॉन ये 3, तो 3 8 जा 24, तो y की वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू -8। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये 5th 7y + 4y + 2 -4/3, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3 7y + 4 इक्वल टू -4y + 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 7 3 जा 21y, ये प्लस 4 3 जा 12 इक्वल टू -4 × y 4y, प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8। अब 21y माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा 4y इक्वल टू -8, ये प्लस का इधर आके -12 हो जाएगा, तो 21 + 4 25y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 12 + 8 20, माइनस का साइन, फिर y इक्वल टू -20/25, तो ये कट जाएगा 4 जावे 5 की टेबल से, और ये 5 जावे, ये माइनस का साइन, तो y की वैल्यू आ गई -4/5। तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।